किसी भी हादसे में शरीर से अलग हुए अंगों को किस प्रकार आधुनिक सर्जरी से फिर से शरीर के उसी भाग के साथ लगाया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला में रिकंस्ट्रक्टिव एवं प्लास्टिक सर्जरी की इस तकनीक की विस्तार से जानकारी दी गई। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हरप्रीत सिंह बख्शी ने बताया कि किसी हादसे या अनहोनी की वजह से अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसे रिकंस्ट्रक्टिव व प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर हैं, संगरूर के आईएमए के सेक्रेटरी हैं, उनकी उंगली कट गई थी और दरवाजे में आ गई थी, जिसके कारण उनकी हमने इमरजेंसी सर्जरी करी। पूरी उंगली उनकी अलग हो गई थी, इमरजेंसी सर्जरी करी। रात को 10 बजे हमने स्टार्ट की, 3 बजे तक हमने ऑपरेट किया उनको और उनकी उंगली बचा दी। बिकॉज़ ये मेन यही चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि जब भी उंगली कटे या ऐसी इंजरी हो, जैसे हाथ कटे इस टाइप की कोई इंजरी हो, तो इमीडिएटली जो पहले 6 घंटे में हॉस्पिटल में आके प्रेजेंट करते हैं, उनकी हम दे हैव चांस कि नॉर्मल हैंड नॉर्मल उंगली हो सकती है, क्योंकि उनकी जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम आर्टरी वेन सब जोड़ सकते हैं और उनको नॉर्मल कर सकते हैं। नहीं, हाथ का भी कर सकते हैं, इवन लात का भी कर सकते हैं, इवन फुट एम्पूटेटेड हो, कोई भी एम्पूटेटेड पार्ट हो, उसको प्रॉपरली हम क्लीन करके सलाइन में डिप करके प्रिजर्व करके आइस ट्रे में लेके आए, आइस में डिप करके, और विद इन 6 आवर्स तक हम ले आए हॉस्पिटल, तो वी कैन रीयूनाइट। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे के बाद नहीं कर सकते, बट गोल्डन पीरियड इज 6 आवर्स। 6 आवर्स में वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। सड़क दुर्घटनाओं के चलते कई लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, जिनके लिए कॉस्मेटिक व कंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।